आज हम बनाएंगे साबूदाना खीर। उसके लिए एक कप साबूदाना लिए हैं। इस कप से एक छोटा सा कटोरी लिए हैं, उसमें डाल के कटोरी में साबूदाना डाल देंगे। उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए पानी डाल के फूलने के लिए छोड़ देंगे। एक पतीला लिए हैं, उसको चढ़ाएंगे गैस ऑन पर। साबूदाना को 10 से 15 मिनट भिगो के जो रखे थे हैं, उसको दो पानी से धो लिए हैं और इसमें दूध डालेंगे। पतीला में दो दूध डालेंगे। साबूदाना जो है उसको डाल देंगे, उसको धीरे धीरे चलाएंगे। दो छोटे इलायची लिए हैं, उसको तोड़ के उसको डाल देंगे। बनके तैयार हो गया है। इसमें डालेंगे चार से पांच चम्मच चीनी। किशमिश और कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। इसको बंद कर देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट हो गया है, अब गैस को ऑफ कर देंगे। बनके तैयार हो गया हमारा साबूदाना का खीर। इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे ऊपर से।